नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी जो है वो ओपन होने वाली है आफ्टर लॉकडाउन। ये खबर मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में दी है, जिन लोगों को इसकी डिटेल पढ़नी है वो वीडियो में जा करके पीछे के जो चैनल्स हैं उसमें जा करके विजिट कर सकते हैं, उनकी पूरी डिटेल मैंने वहाँ पर दी हुई है। दोस्तों लेखपाल जो है, लेखपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा अवेटिंग भी है लोगों के द्वारा, बहुत ज़्यादा अवेटिंग है लोगों के द्वारा। रीज़न उसका ये है कि 2015 के बाद से ये वैकेंसी अभी ओपन नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने प्रयास बहुत किए हैं और एक दो बार आदेश भी दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी वैकेंसी ओपन नहीं हो पाई। दोस्तों अगर आप इसका पूरा का पूरा सिलेबस जानना चाहते हैं, 2020 में कितनी वैकेंसी आएंगी, आपको ये मालूम है 2020 में आने वाली जो वैकेंसीज हैं ये 5,200 हैं, 5,200 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों यदि अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे होगी, क्या क्या सिलेबस है इसका, क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा शुरू से लेकर अंत तक विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो आपसे मिस हो जाएगी, और जो कि आपके लिए लेखपाल की भर्ती की परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखिए और मैं आपको इसमें सारी डिटेल दूंगा किस सेक्शन से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या पैटर्न जो है वो 2020 के एग्जाम के लिए संभावित है जो आने वाला है। देखिए वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की जो स्थिति है, इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और उस नोटिफिकेशन में विधिवत तौर पर इसका संभावना है कि इसका जो पैटर्न है, सिलेबस जो है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम जो यूपी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो होते हैं, मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो ज़्यादातर एग्जाम्स होते हैं उसमें सिलेबस जो है वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आयोग रिलीज करता है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कि उनको आखिर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से और एक्सपेक्टेड जो एग्जाम पैटर्न हो सकता है उसके हिसाब से मैं आपके सामने यहाँ पर पैटर्न लेकर के आया हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पूरे वीडियो को फुल देखिएगा, समझिएगा, एनालिसिस करिएगा। ये बहुत मौके से निकलने वाली वैकेंसीज हैं, ये हर साल नहीं निकलती हैं, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है। इसलिए प्लीज इसको जो है वो सब लोग ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त तरीके की वैकेंसी है और इसमें जो भी थोड़ी भी ईमानदारी से जो सिलेक्शन के लिए अगर जूझेगा तो उसको ये सिलेक्शन जरूर मिलेगा, डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन मिलेगा। रीजन कि इसमें कोई भी प्रकार का आपका इस बार किसी प्रकार का आपका इस बार जो है वो इंटरव्यू नहीं होना है। तो इंटरव्यू नहीं होने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से लिखित परीक्षा पर ही बेस्ड आपकी जो सिलेक्शन है वो है, और लिखित परीक्षा में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में सब आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जरा यहाँ पर क्या है। देखिए इसमें जो संभावित है चार सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन नंबर एक अगर देखा जाए तो हिंदी है, दूसरा जो है वो सामान्य गणित है, तीसरा जो है वो आपका सामान्य ज्ञान है, और चौथा जो है वो ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चार सेक्शन को टोटल जो है 100 क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाएगा, 25-25 नंबर का एक सेक्शन, 25-25 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक नंबर होने की संभावना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे। कहाँ से आएंगे ये हिंदी क्वेश्चन, इसके बारे में अभी आपको इस वीडियो में ही सब पता चलेगा। इसी मैंने कहा कि आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सब कुछ ध्यान से सुनिए। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और इसमें भी एक एक नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, तो इसका भी 25 क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर आपके सामान्य अध्ययन से जीएस से आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वगैरह के जो क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 25 जो है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन होंगे और ये भी एक एक नंबर के होंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के पूछे जाने की संभावना यहाँ पर आपको दिख रही है। अब इसी को आधार मानते हुए हम लोग तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम तैयारी में बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? अब रही बात कि आखिर जनरल हिंदी में क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा और विलेज सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो इसका डिटेल सिलेबस मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। और यदि अगर आप इस सिलेबस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे जो है आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करेंगे, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इसकी जो कह सकते हैं कि जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। और कैसे तैयारी करनी है, स्टडी मटेरियल जितने भी हैं सब कुछ आपको इसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहिए। दोस्तों यकीन रखिए हम आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा करके देने वाले हैं। अगर आप हमारी बातों को कहीं ना कहीं अगर पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन तय है, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, आप इस बार लेखपाल बन के रहेंगे डेफिनेटली।
अब यहाँ पर फटाफट सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या चीजों का। सबसे पहले सिलेबस हम हिंदी का देखेंगे और जीएस का देखेंगे पैरेलली। अगर हम हिंदी का सिलेबस की बात करते हैं तो ये जो पूरा कॉलम आपको दिख रहा है ये हिंदी का है, और इधर वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है सामान्य ज्ञान का है। ठीक है, तो हिंदी वाले कॉलम में देखिए जरा, हिंदी वाले कॉलम में व्याकरण आएगी, शब्दार्थ आएंगे, शब्दों के प्रयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, और नीचे चल करके देखते हैं इसके अलावा रस आएंगे, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव तत्सम, वाक्यांश के लिए शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि, संबंधित अनेकार्थी शब्द। तो ये सब आपके जो है एक तरीके से देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो यहाँ पर भरा पड़ा है। और ग्रामर जो है वो हिंदी में अगर देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि गद्य साहित्य है वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। गद्य साहित्य और गद्य और पद्य साहित्य है वो दूसरी दोनों जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं हिंदी एक कंप्लीट रूप में अगर देखा जाए तो आपको देखने को इसमें मिल रही है, पूरा व्याकरण भरा भरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा छंद जो है इसमें नहीं रखा गया है, लेकिन जो है रस वगैरह, अलंकार वगैरह सब इसमें रखे गए हैं। तो इस तरीके से डिटेल है पूरा हिंदी का, और हिंदी की विधिवत हम लोग क्लास चलाएंगे, विधिवत तौर पर हम लोग क्लास चलाएंगे। इसके अलावा देखें सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, और पूरे प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, हमेशा आप इस नंबर पर जुड़े आएंगे तो आपको हमेशा सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह से संबंधित, यानी कि हिस्ट्री का एक सेक्शन है, कंप्लीट हिस्ट्री का सेक्शन है जो आपको यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी, सेंसस से रिलेटेड यानी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखिए 25 क्वेश्चन आने तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं आने, इसलिए परेशान ना होइए कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा। सब कंप्लीट होगा, यकीन रखिए, आप ही कंप्लीट करेंगे, आप ही सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, आगे ले है सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं, यानी कि जनरल अवेयरनेस जो होता है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आएंगे। भारतीय इतिहास में तमाम सारी चीजें यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। राजनीतिक दलों का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत, आजकल तो पॉलिटिक्स आप देख ही रहे हैं कि चरम पर है, पॉलिटिक्स जो है वो चरम पर है, तो ये सब चीजें भी आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं उन सब चीजों के ऊपर, है ना, विश्व के भूगोल में क्या क्या आएगा, भारत के भूगोल में क्या आएगा, भारत का आर्थिक भूगोल कैसा आएगा, सामाजिक भूगोल कैसा आएगा, ये सब चीजों का आपको जो है सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे, और थोड़ा यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित तो क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब बेटा बात कर लेते हैं जरा गणित की। तो गणित में आपको यहाँ पे संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति या आवृत्ति विवरण, सारणी, संचय से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, संचयी प्रश्न जो होते हैं, संचयी आवृत्ति जो होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके पास में, और बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके पास में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरीके से एलिमेंट्री मैथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ग्राम विकास से संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे होंगे, ग्राम विकास से संबंधित जो प्रश्न है उसमें देखे जाए ग्रामीण प्रशासन, राजस्व प्रशासन के कार्य एवं घटक, जैसे पंचायत वगैरह जो है वो सब, है ना, राजस्व प्रशासन जो है वो सब यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। कुछ योजनाओं के नाम मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं, उनको उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज कैसा रहा है इसके बारे में, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली जो है उसका धार्मिक सहयोग, असहयोग किस प्रकार का, ये सब चीजें। ठीक है, ग्रामीण रोजगार के स्रोत वगैरह जो है ये सब, मतलब आपको जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मतलब कुछ योजनाओं के नाम मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ आपको, इन योजनाओं के नाम आपको ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो है वो सब तैयार होने चाहिए, पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर कुछ योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम, है ना, ये सब तमाम सारी योजनाएं आपको यहाँ पर वन बाय वन सब दी हुई है, इंदिरा आवास योजना वगैरह सब इंदिरा, है ना, योजनाएं दी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की भी कुछ योजनाएं हैं जो ग्राम विकास से संबंधित हो सकती हैं, उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो वो भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे है। ठीक है, राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हैं, किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अम्बेडकर ऊर्जा कृषि सुधि योजना, ऐसे करके तमाम सारी योजनाएं आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये सब योजनाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब भी हम लोग पेपर वाइज, पैटर्न वाइज सब लोग तैयार करेंगे, और आपको पूरी डिटेल सिलेबस यहाँ पर मिल चुका है। इसका पीडीएफ यदि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये है कॉन्टैक्ट नंबर 8953595687 और 9121815699, इस पे जो है आप संपर्क करेंगे तो आपको जो है आराम से पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर ली जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे जुड़ जाएंगे, और जो भी डेली करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स देने वाले हैं, डेली आपको जो पीडीएफ स्टडी से रिलेटेड है वो देने वाले हैं,
डेली क्लास ऑनलाइन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जब आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ जाएंगे। इनकी लिंक हम सब इसी में शेयर करते रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लेखपाल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत जो है वो सारी जानकारी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं पर्सनली, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छे से जानकारी सारी जो है वो प्रोवाइड कर सकूंगा। ठीक है, जो 8953595687 ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको लेखपाल से संबंधित जितनी भी जानकारी है हमेशा जब भी आप प्रोवाइड कराओगे, जब भी आप पूछोगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल पूरी सहायता करेंगे, हर तरीके से सहायता करेंगे। आपको जुट जाना है, बस सारी किताबें सब कुछ मैं बताऊंगा जो मैं बताता जाऊं आपको, तो बस तैयारी शुरू कर देनी है। जो मैं बताता जाऊं आपको वो करना शुरू कर देना है, वो किताब खरीदनी है, वो नोट्स करने हैं। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप करते चले जाइएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे कई सारे लोगों में स्प्रेड करिए जिससे कि मैक्सिमम लोग जो है लाभान्वित हो सकें और हम आप लोगों तक अपना ज्ञान जो है वो सुचारू रूप से पहुंचा सकें। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।